तो मूवी की शुरुआत होती है एक काबिलियत तारीफ हलवाई कैस्पर से, जो कि कुल्लड़ पिज्जा रेस्टोरेंट में एक सीनियर शेफ था। अब सीनियर है तो टैलेंटेड तो होगा ही, जिसके चलते ही आज इनके रेस्टोरेंट में एक फेमस फूड ब्लॉगर डुरांड आने वाला था। और फूड ब्लॉगर वो नहीं जो अंधों की तरह सामान पूछते रहते हैं, फूड ब्लॉगर वो जो खाने के बारे में रिव्यू लिखते हैं। खैर, अब उसी डुरांड के वेलकम के लिए वो शॉपिंग करने मार्केट में चला गया, जिस बीच भाई साहब ने अपने बेटे पर्सी को भी रिसीव किया, जिससे हमें पता चला कि कैस्पर सिर्फ खाने का नमक मसाला सही से रख पाया था, ना कि अपने रिश्तों का, जिसके चलते उसकी वाइफ लॉरा ने नहीं बल्कि विंडी ने उसे डिवोर्स दे दिया। अब वो पर्सी को लेकर सब्जी मंडी में आया, जहां उसने 64 के 69 खट्टे संतरे खरीद लिए, जिसके बाद उसने पर्सी को गर्मा गर्म नान खटाई खिलाई और यहां से वापस रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां उसने सबका सबको खड़ा करके समझाया कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी सफेद शर्ट को खट्टी चटनी से लाल कर दूंगा। लेकिन इतने में ही यहाँ इस होटल की मैनेजर और आप सबकी फेवरेट लॉरा आई, जिसने कैस्पर से कहा कि तुम्हें मालिक साहब बुला रहे हैं। तब कैस्पर ने मना कर दिया कि बाद में मिल लूंगा उससे। लेकिन इतने में यहाँ होटल ओनर रीवा पहुंच गया, जो कैस्पर से बोला कि मैंने सुना है तुमने आज के लिए मेन्यू चेंज कर दिया। कैस्पर बोला कि हाँ और क्या, आज वो फेमस डुरांड आएगा तो उसको क्या वही दाल मखनी खिला दें। तब ओनर बोला कि हमें उसे वो डिश देनी होगी जो हम पिछले 5 साल से बना रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें हम परफेक्ट हो चुके हैं और कुछ नया करने के चक्कर में काम बिगड़ भी सकता है। तब ना चाहते हुए भी कैस्पर को बुढ़ाऊ की बात ही माननी पड़ी, जिसके बाद उसने सबको बताया कि बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। खैर, अब आज की रात इन्होंने वही दाल मखनी पनीर पकौड़ा उस डुरांड को खिला दिया, जिसके अगले दिन ये बिना चखने के दारू पीते हुए डुरांड की रेटिंग का वेट करने लगे कि आखिर उसने क्या लिखा होगा। तभी डुरांड का पोस्ट लाइव हुआ, जिसमें पहले तो उसने खूब बढ़िया बढ़िया बात लिखी, लेकिन फिर उसने होटल की ही दाल मखनी खाकर अपनी रेटिंग में ही हक दिया कि कैस्पर जो इतना बढ़िया हलवाई है, उसने वही 5 साल पुरानी घिसी पीटी डिश रख दी। ये देखकर कैस्पर को काफी बुरा लगा। तब लॉरा ने उसे समझाया कि तुम बेस्ट शेफ हो यार, चलो इसी बात पर 10 रुपए की चौमिन खिला दो। अब लॉरा को चौमिन खिलाकर वो अगली सुबह पर्सी से मिलने पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात अपनी एक्स बहू विंडी से भी हुई। तब विंडी भी उसे समझाने लगी कि अरे कोई बात नहीं, डुरांड को जैसा लगा उसने लिख दिया, अब तुम इस बात को जाने दो। लेकिन कैस्पर पर इन बातों का इतना ही असर हुआ जितना आप पर मेरी सब्सक्राइब वाली लाइन का होता है। खैर, वो जानता था कि वो उस दिन से बेहतर कर सकता था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट में आकर खूब आड़े टेढ़े तरीके से बहुत सारी डिश बनानी शुरू करी। अब रात भर कुकिंग करने के बाद जब वो डिश उसके सबसे अच्छे दोस्त छंगे और पोपले ने टेस्ट की, तो उन्हें भी वो डिश ज्यादा पसंद आई। तब उन दोनों ने कहा कि तुम एक बढ़िया हलवाई हो, इसलिए ट्विटर पर डुरांड के पोस्ट को इग्नोर करना। तब कैस्पर बोला, कौन सा पोस्ट? असल में वो बेचारा सिर्फ संतरे और बैगन में ही लगा रहता था, जिसके चलते उसने कभी ट्विटर चलाया ही नहीं। तब उन दोनों दोस्तों ने भी इस बात को इधर उधर घुमा दिया। अब जब कैस्पर घर पहुंचा तो पर्सी भी फुल HD में गुनगुने पानी को देख रहा था। तभी कैस्पर ने पेप्सी वाली मैगी बनाकर उससे पूछा कि क्या तुम ट्विटर चलाते हो? पर्सी बोला, हाँ वो तो सब चलाते हैं। तब कैस्पर के भी मन में ट्विटर चलाने की भावना जागृत हुई, इसलिए उसने पर्सी से कहकर अपना ट्विटर अकाउंट बनवा लिया। जहां उसने डुरांड की प्रोफाइल देखी तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि डुरांड ने कैस्पर पर काफी पर्सनल कमेंट भी किए हुए थे। तब गुस्से में कैस्पर ने उसे रिप्लाई में लिख दिया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन मैं बता दूं कि गलती से कैस्पर ने ये रिप्लाई में नहीं बल्कि डुरांड को पब्लिकली बोला था, जिससे कि अगले ही दिन उसके 1700 फॉलोवर्स बढ़ गए। काश मेरे भी ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते। खैर, अब डुरांड ने कैस्पर को और भी बुरा बुरा कहा, जिस पर कैस्पर ने उसे चैलेंज किया
कि कुछ भी बकने से पहले तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट का न्यू मेन्यू जरूर चेक करना चाहिए। तब डोरांड ने भी फ्री का खाने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर चल रहा था तो मैक्सिमम जनता इस टॉपिक से जुड़ गई, जिसकी वजह से कैस्पर के चैलेंज वाले दिन इनका पूरा रेस्टोरेंट हाउसफुल हो गया, जो कि पहले कभी आज तक नहीं हुआ था। लेकिन तभी यहाँ फिर से रीवा आया, जो दोबारा सेम मेन्यू को लेकर अपनी टैटे पैपे करने लगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम्हें डोरांड से ट्विटर पर सॉरी मांगनी पड़ेगी। तब कैस्पर बोला कि ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। साथ ही फिर उसने डिसाइड किया कि जहाँ मेरे काम और मेरी वैल्यू ही नहीं, तो मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ। इसलिए वो तभी के तभी ये जॉब छोड़कर यहाँ से चला गया। लेकिन ये चैलेंज तो पूरा होना था, इसलिए छंगा और बाकी हलवाई मिलकर डोरांड को वही सेम डिशेस देने लगे, जिनसे डोरांड बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि रेस्टोरेंट में कैस्पर नहीं है, तो उसने ये बात भी ट्वीट कर दी कि बेचारे कैस्पर ने इतना बेकार खाना बनाया कि उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। ये पढ़कर हमारे बिग शो जैसे दिखने वाले भैया कैस्पर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो वापिस रेस्टोरेंट में आकर डोरांड को चमकाने लगा कि पता भी है कितनी मेहनत लगती है सब बनाने में, तुम्हें क्या है, तुम तो बस फ्री का खाओ और वही सुबह ट्विटर पर हक दो। तुम्हें क्या पता एक हलवाई अपने खाने को कितने मन से बनाता है। अब ये सारी कहा सुनी किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाल दी, और जब कैस्पर ने अपना वायरल एमएमएस देखा तो उसे अलग ही टेंशन होने लगी। तब विंडी ने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम मेरे साथ मियामी चलो, जहां वो पर्सी के नाना से मिलने जा रही थी। तब पहले तो कैस्पर ने मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त उसकी जेब में नहीं था खाने को और अम्मा चली भुनाने को वाला हिसाब था। लेकिन फिर वो पर्सी की खुशी के लिए मान गया। अब ये यहाँ से कैस्पर के ससुर के पास पहुँचे, जो कि एक अच्छे गायक थे। तभी इन्होंने वहाँ खूब डांस किया, जहाँ इतने दिनों में पहली बार कैस्पर अंदर से काफी खुश हुआ। जिसके बाद ये चकना पानी करने एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, जहाँ इन्होंने सैंडविच जैसा कुछ ऑर्डर किया। तब कैस्पर बोला कि वाह अच्छा बनाया इन्होंने, लेकिन विंडी बोली कि तुमसे अच्छा तो नहीं बनाया। विंडी लेने के चक्कर में है। खैर विंडी ने उसे मोटिवेट किया कि तुम्हें अपना एक फूड ट्रक शुरू करना चाहिए, लेकिन उसके लिए चाहिए था ट्रक या फिर पैसे, जो कैस्पर ने विंडी से मांगने की जगह विंडी के एक्स मार्टिन से मांगने की सोची। मतलब विंडी पहले मार्टिन की थी, फिर वो कैस्पर की बनी, और अब वो कैस्पर की भी नहीं है। वाह दीपिका का छोटा वर्जन। वैसे मार्टिन टोनी स्टार की है क्या? खैर मार्टिन कैस्पर को अपना पुराना फूड ट्रक देने के लिए मान गया कि ले जा भाई कबाड़ा कम होगा मेरे लिए तो। अब मार्टिन के लिए भले ही वो कबाड़ा हो, लेकिन कैस्पर के लिए वो उसका नया सपना था, जिसको उसने बड़े प्यार से साफ करना शुरू कर दिया। इतने में यहाँ विंडी और पर्सी भी आए, जहाँ पर्सी ने यहीं रुककर कैस्पर की मदद करने का फैसला किया। और बस फिर क्या था, तभी कैस्पर ने पर्सी पर बिना मर्सी दिखाए बाल मजदूरी शुरू करवा दी। उसने दबा दब पर्सी से इतने सारे डोने ढक्कन साफ कराए कि बेचारा साइड में मुंह लटका कर बैठ गया। तब कैस्पर उसे लेकर बर्तनों की दुकान में पहुंचा, जहां से उसने फूड ट्रक के लिए जरूरी बर्तन खरीद लिए। लेकिन अभी भी दिक्कत ये थी कि वो इस खली से भी भारी मशीन को ट्रक में कैसे रखे। तब उसने इन गंजेड़ियों से मदद मांगी, लेकिन मैक्सिकन लैंग्वेज ना आने की वजह से गंजेड़ियों ने उसे इग्नोर कर दिया। तभी इतने में यहाँ कैस्पर का सबसे अच्छा दोस्त छंगा आया, जो कि अपनी जॉब छोड़कर कैस्पर का साथ देने आया था। तब उसने मैक्सिकन लैंग्वेज में उन गंजेड़ियों से कहकर ट्रक में वो सामान रखवा दिया, जिसकी सारी शिफ्टिंग करने के बाद कैस्पर ने उन सब भले मनुष्य को फ्री में अपना क्रीम रोल ऑफर किया। अब सारे सेटअप के बाद ये तीनों तारों की छांव में बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगे, जिसमें इनका प्लान था कि अगली सुबह से ये लोग शहर के अलग अलग कोने में जाकर अपनी डिशेस बेचेंगे, जिसके लिए पर्सी भी इनका साथ देने वाला था। तब छंगे ने पूछा कि क्या मैं इस ट्रक को पेंट कर सकता हूँ। तब कैस्पर ने उसे हाँ कह दी, जिसके बाद तो छंगे भाई साहब ने ट्रक को टिकटॉक का टिकटॉकिया बना दिया।
अब ये तीनों अपने काम धंधे पर निकल गए, जहां पर्सी ने ये ट्वीट कर दिया कि मेरे पिता श्री शहर के हर कोने पर अपना फूड ट्रक लगाएंगे, जिसकी वजह से उस कंट्रोवर्सी से आए कैस्पर के फॉलोअर्स उसके ट्रक से सामान खरीदने पहुंचने लगे। देखते ही देखते यहाँ काफी भीड़ लग गई, लेकिन इतने में यहाँ एक बिला पुलिस ऑफिसर आया, जिसने कैस्पर को कोने में बुलाया। तब कैस्पर ने उसे अपना परमिट दिखा दिया कि देख लो भाई साहब, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। तब भी वो ऑफिसर बोला कि यहाँ से आगे जाकर बेचो, लेकिन फिर उसने कैस्पर का नूरानी चेहरा फिर से देखा, जिससे उसे याद आया कि अरे तो फेमस बनारस के हलवाई कैस्पर है। जिसके बाद उसने कैस्पर के साथ कुछ पिक्स क्लिक करा ली। अब धीरे धीरे उसका ये फूड ट्रक दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा, जिसमें पर्सी एक अहम हिस्सा बन गया, क्योंकि वही ट्विटर पर अपने पापा के फूड ट्रक की मार्केटिंग अच्छे से कर रहा था। और भाई साहब, मार्केटिंग भी ऐसी कि जहां इनका ट्रक खड़ा हो जाए वहीं से क्रीम रोल के लिए लाइन शुरू हो जाए, मतलब कैस्पर ऑलवेज ऑन गैस पर होने लगा। खैर, इनके इस नोट छापने के बीच ही विंडी ने इन्हें फोन किया। तब इनके कस्टमर्स की चिल्लम चिल्ली और विंडी की आवाज के बीच कैस्पर के मुंह से ये निकल गया कि विंडी, आई वॉन्ट टू गिव यू माई भिंडी। उसने विंडी को आई लव यू बोल दिया, लेकिन फिर उसने ठीक मेरी तरह ये बात बहुत अच्छी तरह पलट भी दी। अब इतने नोट छापने के बाद शाम को ये इंजॉय करने पहुंचे, जहाँ कैस्पर अपने बेटे से बोला कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताकर काफी अच्छा लगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी माँ के पास वापस जाना होगा क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रही हैं। ये सुनकर पर्सी काफी सैड हो गया, क्योंकि वो अपने इतने अच्छे पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब उसने ये रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं आगे भी फूड ट्रक पर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कैस्पर ने उसे मना कर दिया कि नहीं बेटा, तुम अपनी ट्रिग्नोमेट्री में ही खेलते रहो। अब यहाँ से वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा, जहाँ उसने पर्सी की बनाई हुई वो वीडियो देखी, जिसमें उसने इनके एक एक हसीन पल को कैप्चर किया हुआ था। ये देखकर वो काफी इमोशनल हुआ, जिसके बाद उसने फोन करके पर्सी को अपने स्कूल से आने के बाद फूड ट्रक में हेल्प करने की परमिशन दे दी। अब शाम को इनके फूड ट्रक पर भारी भरकम भीड़ लग गई, जहाँ विंडी भी इनकी हेल्प करने लगी। तभी इस भारी भरकम भीड़ में एकदम से यहाँ डुरांड आया। हाँ दोस्तों, वही डुरांड जिसने कैस्पर के टैलेंट पर कीचड़ उछाली थी। लेकिन अब वो यहाँ कैस्पर को जॉब ऑफर करने आया कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में जैसा मर्जी खाना बना सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब कहानी यहाँ से 6 महीने आगे आई, जहाँ कैस्पर ने अपना छोटा सा बिजनेस एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट कर लिया। लेकिन ये रेस्टोरेंट पिछले वाले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ वो बिना किसी के टैं पैपे के कुछ भी बना सकता था। साथ ही अब तो विंडी भी भिंडी के लिए मान गई। इसी हैप्पी एंडिंग और आपके लाइक सब्सक्राइब के साथ ये मूवी यही एंड होती है। अब चलो आज के शाउट आउट भी देख लें। जहाँ एनिम भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने कितनी बार डेटा ट्रांसफर किया है, तो भाई जितनी बार सलमान खान ने शादी की उतनी बार मैंने डेटा ट्रांसफर किया। मिर्जा भाई कह रहे हैं कि लॉरा इज फेमस, तो यस दोस्तों, इस कांड में आप लोगों का ही पूरा हाथ है। सत्यम भाई कह रहे हैं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनवा दूं, तो बताओ भाई सीमेंट बदरपुर कौन सी मिट्टी से बनवाऊं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड। शादत भाई को डॉनली का नया वीडियो चाहिए, लाऊंगा भाई लाऊंगा, दूसरे चैनल पर ही लाऊंगा, लेकिन क्वालिटी कंटेंट लाऊंगा, ना कि घिसा पिटा कंटेंट, इसलिए थोड़ा सब्र रख लो, कोई बात नहीं। नकीब भाई कह रहे हैं कि जिंदगी हो या मूवी, ये लॉरा शब्द पीछा नहीं छोड़ रहा। अब जो इस डार्क कमेंट को समझ गया वो कमेंट में बताओ, साथ ही इस वीडियो पर भारो फूल बरसाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई मस्त एक्सप्लेनेशन लेकर आया है। तो चलो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।